तहे दिल से स्वागत है आपका। और क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एग्रीगेट अगर फिजिकल का देखें तो 13 से 14 मार्क्स का है, बट ये 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर आपके लिए है। आसान है लेकिन समझना तो जरूरी है। सबसे बड़ी डिमेरिट्स इस चैप्टर में क्या है, यानी इस चैप्टर में नहीं है बल्कि इस चैप्टर को पढ़ने वाले हम में और आप में क्या है, हम बहुत जल्दी इसके न्यूमेरिकल्स पे भागते हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल्स तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे भागने से पहले कंसेप्ट हम नहीं समझते। और जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझते, आपको स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि बड़े आसान हैं, लेकिन विदाउट कंसेप्ट तो आप न्यूमेरिकल क्या मैथ्स में भी कुछ सॉल्व नहीं कर पाते। रटाफिकेशन का मामला मैथ और साइंस में नहीं होता है, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ जो बेसिक्स हैं बड़े आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़ा के भागने से बेहतर है कि हम अच्छे से उसको समझें, कंसेप्ट को समझें। तो मे बी ये 1, 2 या 3 क्लासेज में कंप्लीट होगी, तो परेशान नहीं होना है। हाँ, कंसेप्ट को समझना है, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। तो बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें, अब देखिए सबसे पहली बात हम लोग करेंगे इसकी कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मामला क्या है। तो भाई हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये बदलता है। जब हम बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी की करते हैं और वो भी थ्रू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो केमिकल रिएक्शन के होने से जनरली हमने देखा है हीट निकलते हैं। अब उस हीट का हम यूज करें या ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और उसका यूज हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर लिया, फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर लिया, या कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उसका यूज हमने केमिकल रिएक्शन के लिए कर लिया, दोनों बातें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी क्रिएट करनी, एनर्जी क्रिएट करनी। तो सबसे पहले केमिकल वाली बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों चीजें, दोनों जो सेल है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक के, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन अपने आप हो जाता हो, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया,
अब इन टाइप के रिएक्शन में आप देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जब हम डैनियल सेल का आपको फंक्शन और स्ट्रक्चर बता समझाएंगे तो उसमें देखेंगे आप कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो 10th क्लास में हमने पढ़ा ना कि उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हम अपने आसपास की जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे वो बैटरी की बात हो, फ्यूल सेल की बात हो, इन सब में क्या है, एनर्जी ही कन्वर्जन होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जब हमने पढ़ा था 10th में तो दो बातें हमने पढ़ी थी। एक तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की बात की थी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात भी हमने पढ़ी थी। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो हमें रिडक्शन में हेल्प करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो मामला हमने पढ़ा था उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहा करते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी बात हम करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फेवर में, कि उसमें क्या काउंट करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट आयन बन रहा हो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अगर आयन बन रहा हो, रिलीज करेगा तो पॉजिटिव बनेगा ना, तो रिलीज करने पे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे अगर कोई आयन बन रहा हो रिलीज करके, तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं अगर लूज कर रहा हो। और अगर गेन कर रहा हो, जो एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, वो रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इस केस में एक एग्जांपल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है लिखा हुआ कि ZN जो है वो ZN2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसका मतलब कि उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इस रिस्पेक्ट में हम उसे रिडक्शन कहेंगे। खैर, इसकी और भी अच्छे से चर्चा हम लोग जब शेल को पढ़ेंगे, शेल को समझेंगे तो उसे समझ पाएंगे। अब आते हैं मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स से पहले कुछ बातें हम समझते हैं। देखो, मेटालिक कंडक्टर या आप यूं कहें कि कंडक्टर के टाइप्स, हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि दो होते हैं ना, एक तो मेटल होता है, सॉरी एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, और एक उसके बीच में सेमी कंडक्टर होता है। कंडक्टर वो होते हैं जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अच्छे से पास करते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिससे करंट पास ना कर सके, इलेक्ट्रॉन पास ना कर सके। और सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर होते हैं, आगे पढ़ोगे आप फिजिक्स में भी लास्ट चैप्टर बहुत अच्छे से, ये सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं? जो प्रॉपर्टी कंडक्टर की भी रखते हैं और इंसुलेटर की भी रखते हैं, वो बीच बीच में होते हैं। ऑरिजिनली तो वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो उनके बीच का कंडक्शन बैंड बैंड जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है और वो इंसुलेटर से कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या है? दीज आर मेटालिक सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। अगर किसी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं हो और उसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगे तो हम इसे मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं।
और होल एंड सोल ये डिपेंड करता है कि जो मेटल आप यूज कर रहे हो इसके लिए उसका नेचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर एटम कितनी है, या डेंसिटी कितना है, या टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होता है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, आगे पढ़ेंगे हम इसको, वो और कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। देन दीज आर सबस्टांस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टेन स्टेट। जब ये पिघल जाते हैं, मोल्टेन हो जाते हैं, तब ये कंडक्शन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं, उससे जो कंडक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। जैसे टाटा का फ्री फ्लो नमक जो आता है घर में, जो हम लोग यूज करते हैं, अगर वो बिल्कुल पैक्ड है और आप उसके एक सिरे पे आप अगर वायर लगाते हैं और दूसरे सिरे को आप टच करते हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो थोड़ा मोल्टेन हो गया, जैसे नहीं हम रख देते हैं और वो पसीज जाता है, अगर हमने उस अवस्था में उस पैकेट के एक पॉइंट पे वायर लगाई और दूसरे पे टच किया, नेक्ट पे, पैकेट पे नहीं, तो मजा आएगा। कैसे मजा आएगा भैया, हिलेंगे डुलेंगे। क्यों हिलेंगे डुलेंगे, क्योंकि जब वो मोल्टेन हो गया तो वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ब्रेक हो गया और फिर कंडक्शन तो ऑब्वियसली स्टार्ट हो ही जाएगा। जब वो बिल्कुल सॉलिड था, पिघला हुआ नहीं था, टाटा का फ्री फ्लो नमक था, तो उस कंडीशन में वो सॉलिड के फॉर्म में था, आयन्स नहीं थे उसमें, और जिस वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक उल्टे होते हैं, द सबस्टांस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द मोल्टन स्टेट और थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो ब्रेक नहीं होता है, आयंस में अगर वो ब्रेक नहीं होता है, जैसे सुगर, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल या यूरिया, ये सारे जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में एक डिफरेंस भी बता रखा है, और जो हमने डिफरेंस अभी पढ़ा है सेम वही चीजें यहाँ अभी आपको मिलेंगी। अब दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग और वीक एक कंसेप्ट समझ लीजिए आप, कि भाई द इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन। अगर आपने किसी आयन कंपाउंड का यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया, और वो अपने आयन्स में बिल्कुल कंप्लीटली टूट गया हो, कंप्लीटली ब्रेक हो गया हो, तब हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन अगर कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, कंप्लीटली नहीं टूटा है, तो उस केस में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। और H2CO3, H2BO3, ये सारे जो हैं वो चंप। अब भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी मैंने आपको भाई इलेक्ट्रोलाइट्स का जो नेचर है, यानी कितना वो डिसोसिएट होगा आयंस में, कितना टूटेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देयरफॉर the greater the number of ions in the solution, the greater is the conduction. अगर solution में ions का concentration ज्यादा है, इसका मतलब उसमें conduction भी ज्यादा।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू सॉल्यूशन एंड देयरफॉर देयर सॉल्यूशन हैव हाई कंडक्टेंस। अब ये रीजन दे दिया कि हाई कंडक्टेंस क्यों होता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। तो देखो अभी तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या नेचर होंगे और अब हम पढ़ रहे हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो लिखे ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर कौन से होते हैं जिसमें स्लाइटली चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है जैसे वाटर को भी हम पोलर कहते हैं। देयरफॉर ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट लार्जर इज द आयनाइजेशन। जितना सॉल्वेंट का पोलैरिटी रहेगा उतना ही जो है वो उसमें आने वाले जो आयन्स है वो ज्यादा से ज्यादा आयनाइज होंगे एंड हेंस ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। और इस तरह से कंडक्टेंस बढ़ेगी। सिमिलरली ग्रेटर इज द विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट लेसर इट्स इट्स कंडक्टेंस। जहां पे कम हो विस्कोसिटी सॉरी ज्यादा हो ग्रेटर इज द विस्कोसिटी। जहां पे ज्यादा हो विस्कोसिटी सॉल्वेंट की वहां पे भी कंडक्टेंस कम है। अब थर्ड पॉइंट करते हैं साइज ऑफ द आयंस produced and their solvation. So, if the ions are strongly solvated, अगर पूरी तरह से वो सोल्व हो जाए their effective size will increase and hence their conductance will decrease. तो conductance उसका decrease। कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। The conductance of electrolyte increases with decrease in concentration or increase in dilution. अगर concentration कम होता है dilution increase होता है तो कैसे। और last है temperature. तो with increase in temperature conductivity of electrolyte increases due to decrease in interaction between two. अब यहां से हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर। अब इसके अगले सेक्शन में तो जहां तक हमने किया था उससे आगे के सेगमेंट की बात करते हैं और बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और उससे पहले एक टर्म देखते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है। द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज कंडक्टेंस। कितनी पावर है किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। और जब कंडक्शन की बात होगी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो ओम्स लॉ आएगा ही है। वो ओम्स लॉ आपने टेंथ में भी पढ़ा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल वी इज इक्वल टू आई आर का हमने फॉर्मूला लगाया है। द लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ऐसा ना। अब कुछ बेसिक टर्म्स आपको मालूम है जैसे रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर आता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास बन जाता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय एल, एंड वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और यू कैन से रेजिस्टिविटी। रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। जब हम बात करते हैं ओम यूनिट की, ऐसा यूनिट की रेजिस्टेंस की, तो वो ओम है। और अगर हम जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो उसमें अगर हम देखें कि रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करें, तो भाई अगर एल लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम 1 मीटर मान लेते हैं, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस ऑलवेज किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के। दस रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब यूनिट देखें तो रो का यूनिट अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं आर ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस ओम में आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर में, और एल जो है सेंटीमीटर में, यानी कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है ओम सेंटीमीटर होगा। ओम मीटर में इसको हम कैलकुलेट करते हैं एसआई यूनिट के रूप में ओम मीटर, और फीट ओपन जो है ओम सेंटीमीटर यूज करते हैं। अब यहीं से बात आती है कंडक्टेंस की, तो भाई रेजिस्टेंस का कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, तो उसका जो उल्टा होगा वो कंडक्टेंस हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू 1/R, G से हम डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, एंड यूनिट ओम का उल्टा महो हो जाता है, MHO, ओम इनवर्स भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कप्पा से उसको डिनोट करते हैं, एंड K इज इक्वल टू 1/P, है ना, लिखा हुआ द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। वही जैसे वैल्यू हमने रेजिस्टिविटी में आपको बताई इक्वल करके 1 लेकर के, और वैसे ही यहां भी हम 1 लेके इक्वल करते हैं। यूनिट ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स सेम। अब यहां से बात आगे चलती है और पहुंचते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस पे। देन The conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in the solution. अगर किसी solution में अगर हमने 1 mole electrolyte, molar से बात चल रही है ना, तो अगर 1 mole हमने add कर दिया, तो उसके conducting power में क्या change हो जाता है? और इसको lambda m, m for molar, kappa upon c conductivity हम denote करते हैं। C is the unit of molarity. If C is the molarity of units of molarity, moles per liter, then इसकी value यानी कि C की value हम लिख सकते हैं K 1000 upon C, यानी C जो है वो यहाँ पे molarity हम use। अब अगर हम देखें कि रिलेशन क्या होता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कप्पा, और यू कैन से मोलर कंडक्टिविटी। इस तरह से हम यूनिट भी निकालते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अब यहां पे एक बात आ गई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है या ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इसके यूनिट होती है। इस तरह से आप
अब अगर मीजर बेंड देखें तो देखिए यहाँ पे एक सर्किट है और सर्किट में R1, R2, R3 और R4 ये चार हैं हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको आप कह सकते हैं। और इसमें अगर हम इस सर्किट में देखें फोर आर्म, जो चार आर्म अलग अलग हैं, इसमें कुछ बातें और समझते हैं हम कि इट कंसिस्ट ऑफ फोर आर्म्स कंटेनिंग दिस 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 द वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड आर टू इज अननोन रेजिस्टेंस। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट वेरिएबल रेजिस्टेंस इज सो एडजस्टेड, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसा एडजस्ट करते हैं टू गेट नो करंट पोजीशन, दिस इज इंडिकेटेड बाय नो डिफ्लेक्शन। कैसे कैसे देखेंगे कि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है? अगर गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं है, नल पॉइंट बन रहा है, तो इसका मतलब उसमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई करंट पास नहीं हो रहा है। देन इन दिस केस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, और यहां से आप जो अननोन रेजिस्टेंस है R2 इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कनेक्टिविटी, वैसे तो हमने बात करी है अभी कि जो कप्पा होता है 1/ρ रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, आप यहाँ पुट कर दें तो फॉर्मूला बन जाता है कंडक्टिविटी का, दैट्स ऑल। अब बात आती है सेल कांस्टेंट की। तो देखो सेल कांस्टेंट जो होता है, सेल कांस्टेंट जनरली नॉट कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज एल एंड ए बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट टू मेजर फॉर अ गिवन सेल, किसी सेल के लिए डिफिकल्ट होता है मेजर करना। However, it is usually determined accurately by measuring the conductance of a standard solution. उस कंडक्टिविटी नोन, अगर कंडक्टिविटी पता है तो आप वहां से निकाल सकते हैं। सेल कंस्टेंट का फॉर्मूला कंडक्टिविटी अपन कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस अगर पता है आपको तो सेल कंस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात हम कर ही लेते हैं। लिखा है इसमें कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस MKCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस दिस, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस। अब इस केस में देखिए K की वैल्यू आपके पास गिवन है, कंडक्टिविटी कप्पा जो है वो आपके पास गिवन है, दूसरी चीज रेजिस्टेंस भी आपके पास गिवन है 1500, तो सेल कांस्टेंट का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। तो यहां से आप कंडक्टेंस अगर नहीं है, मान लो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये भी तो हमने पढ़ा ना कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टेंस का उल्टा होता है, तो आप इसे इन्वर्स कर दीजिए, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस बन जाएगा, कैलकुलेट हो गया सेल कांस्टेंट। अब जैसे नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं वही हालात है, कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 298 इज दिस, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, पुट करो इस वैल्यू में और कैलकुलेट कर दो। तो ऐसे करके हम इस पे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब आगे की जो बात आएगी वो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन, यहाँ मैं इसको खत्म ही कर दूंगा इस पार्ट को। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगा अगर आप इंक्रीज करते हैं किसमें, कंसेंट्रेशन में या इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डिक्रीज करेगा अगर आप कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करेगा अगर आप उसे डाइल्यूट ज्यादा करेंगे, डाइल्यूट मतलब वाटर मिलाना। दिस इज बिकॉज कंडक्टेंस ऑफ आयंस इज ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब हम पढ़ेंगे आगे सेल के बारे में तो ये वहां पे लागू होगा। दिस इज बिकॉज कंडक्टेंस ऑफ आयंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, द ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस द ग्रेटर इज द कंडक्टेंस, नंबर ऑफ आयंस जितने बनेंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। एज विद डाइल्यूशन मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन सो कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन अगर करते हैं तो
मूवमेंट बढ़ेगा, आयन्स का कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंसेंट्रेशन कम करते हैं तब भी मूवमेंट बढ़ेगा, और अगर ज्यादा करते हैं तो मूवमेंट कम हो जाएगा। तो इस थीसिस पे ये चलता है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये पॉइंट आपने याद रखना। अब कुछ बातें और, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग वो होता है जो बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है अपने आयन्स में, और जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता वो वीक है। द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट टू अ मच लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जब भी जो कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी और वीक की कम होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हम देखें तो डिग्री अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये जो रेशियो होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस करेस्पॉन्डिंग टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1। और ये हमने याद रखना है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है मोलर कंडक्टेंस की, वो यानी डेल एम जीरो की, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के इक्वल होती है होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट। जब पूरा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है तब हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं कि कंप्लीट हो गया है। तो इस फॉर्मूले में आप देखते हैं अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो जहां पे सी एम लग रहा है मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन सी है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो इनका जो रेशियो है वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके ऊपर, वैसे तो न्यूमेरिकल्स का एक अलग सेशन हम देंगे, और कोलार्स ला की जो बातें हैं वो हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे, और बाकी सेल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इजाजत दें, फर्स्ट पार्ट में इतना ही।